क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन सैम्पल पेपर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री फॉर वॉट वैल्यूज ऑफ के विल द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेश मैनी सोल्यूशन तो हमें दे रखा है ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं जिनके इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन हैं और हमें के की वैल्यू निकालनी है यह क्वेश्चन चैप्टर थ्री पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से लिया गया है लीनियर इक्वेशंस की कंडीशन पर बेस्ड एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूं अगर आपको कंडीशन और अच्छे से समझने की जरूरत हो तो आप उस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं अगर ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती हैं तो कंडीशन फॉर इंफिनेटली मेनी सोल्यूशंस अगर ये दो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, तो कंडीशन फॉर इंफिनेटली मेनी सोल्यूशन ये होती है ए वन बाय ए टू इक्वल्स टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू लीनियर इक्वेशंस को देखते हुए ए वन है के बी वन थ्री और सी वन है माइनस के माइनस थ्री ए टू है ट्वेल्व बी टू के और सी टू माइनस के ये कंडीशन लगा देखते हैं ये वैल्यूज पुट कर देते हैं ये दोनों माइनस कट जाएंगे अब हम ऐसा करेंगे कि इसमें दो केसेस लेंगे पहली दो इक्वालिटीज लेंगे उसमें और फिर बाद की दो इक्वालिटीज लेंगे केस वन लेते हैं हम के डिवाइडेड बाय ट्वेल्व इज इक्वल टू थ्री डिवाइडेड बाय के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से के स्क्वायर थर्टी सिक्स आ जाएगा और के प्लस माइनस सिक्स हो जाएगा क्योंकि हमें पता है कि एक्स स्क्वायर अगर ए स्क्वायर हो तो एक्स प्लस माइनस ए होता है तो के की दो वैल्यूज आ गई हैं सिक्स और माइनस सिक्स केस टू लेते हैं यहाँ हम केस टू कंसिडर करेंगे केस टू में ये दोनों इक्वालिटीज आएंगी थ्री डिवाइडेड बाई के इज इक्वल टू के माइनस थ्री डिवाइडेड बाई के आप के को काट नहीं सकते आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा थ्री के इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस थ्री के आ जाएगा और के स्क्वायर माइनस सिक्स के इक्वल टू जीरो के कॉमन आ गया के माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो यानी या तो के जीरो है या के सिक्स है केस वन और केस टू से हमें पता चला कि इन दो पहली इक्वलिटीज को के की दो वैल्यूज सिक्स और माइनस सिक्स सेटिस्फाई करती हैं इन दो इक्वालिटीज को के जीरो और के सिक्स ये दो वैल्यू सेटिस्फाई करती हैं इस पूरी को कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करती हैं जो कॉमन है यानी कि सिक्स क्योंकि इन दो को तो सिक्स और माइनस सिक्स करती है और इन दो को जीरो और सिक्स करती है तो इन तीनों इक्वालिटीज को सेटिसफाई करने वाली के की वैल्यू है के इज इक्वल टू सिक्स सिंस के इज इक्वल टू सिक्स सेटिस्फाइज Let's call this as 1. Quality 1. Therefore, k is equals to 6 is the answer.